जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। अबे गरीबों के अर्जित से रुक जा भाई, रुलाया गया क्या? लेकिन मानना पड़ेगा तेरी आवाज में दर्द है, क्योंकि अगर तेरी आवाज में दर्द नहीं होती तो तेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। बात तो सही है। अरे एक बार जरा इस लड़की को देखो, ये इसकी आवाज पर कितने मगन होकर नाच रही है। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि दुख तो इस बात का है कि कवे जैसी शक्ल वाले लड़कों के पास गर्लफ्रेंड है। जैसे अब तुम लोग बोलोगे तो एग्जांपल में इसी वीडियो को ले लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं कहता था ना जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी भंडारा कराऊंगा, भंडारा देख लीजिए, बन गई मेरी गर्लफ्रेंड। अरे भाई रुक जा, इतने ज्यादा खुश मत हो कि ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए, नहीं तो तुम्हारे इसका अच्छे से इलाज कर देंगे। बात तो सही है। और जरा एक बार इस लड़की को देखो, ये कितनी तेजी से दांत फाड़े जा रही है। मैडम इतनी तेजी से दांत मत फाड़ो, नहीं तो तुम्हारा मुंह फट जाएगा और तुम्हारे सारे दांत हाथों में चले आएंगे। और ऐसा लग रहा है कि ये लड़की जिंदगी में पहली बार हंस रही है। और तो और कुछ ऐसे आशिक भी है जो अपने गर्लफ्रेंड के लिए जूड़ा और चाप अपने हाथ में लेकर घूमते है। मैडम अगर इन बालों से तुमको इतनी दिक्कत ही होती है तो तुम इन बालों को बांध कर क्यों नहीं घूमती हो? लेकिन नहीं, यहाँ तो बात दूसरा है। बाबू सोना किस दिन काम आएगा? इनका बाबू सोना है ना इनके चाप और जूड़ा लेकर इनके पीछे पीछे घूमने के। देख रहे हो ये भैंस के छोटे से बछड़े को, ये अपने बाबू से कितना ज्यादा प्यार करता है। ये अपने बाबू से इतना ज्यादा प्यार करता है कि ये अपने बाबू के लिए उसका चाप और जूड़ा अपने साथ लेकर घूम रहा है। बात तो सही है। और सिर्फ लड़कों का ये हाल नहीं है, यहाँ तो अंकल भी अपना गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं। गए हम की गए वो दिन जब सिर्फ लड़कों के पास गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब तो लड़कों से ज्यादा बूढ़े और अंकल अपने गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मजा नहीं आ रहा है। देख रहे हो ये अंकल को, इनके सिर पर के बाल खत्म होने वाला है। वो अपने बेटे की शादी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये अपने से आधे अपने बेटे की उम्र की लड़की को घुमा रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि दुनिया बौखला गई है, कि अब वो दिन दूर नहीं रहे जब दुनिया खत्म होने वाली है। थोड़ी देर के लिए तो मैं इन्हें सही मान सकता हूँ, क्योंकि ये इश्क तो कर रहे हैं लेकिन अपने उम्र की औरत के साथ कर रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। ये अंकल का उम्र हो गया 55 का, लेकिन इनका दिल अभी बचपन में ही अटका हुआ। इनके सिर का बाल झड़ गया, लेकिन इनका जवानी का अंदाज अभी 18 साल वाला ही याद आ रहा है। आजकल बच्चे और जवान ही नहीं, बल्कि बच्चे और जवान से ज्यादा बूढ़े और अंकल इश्क लड़ा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारे गाँव में कोई आदमी रंडुआ मर रहा होता है, लेकिन जब कभी ऊपर वाला का चमत्कार होता है और उसकी शादी लग जाती है, वो अपने शादी में इतनी ज्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी दूर दूर तक झलक रही होती है। कुछ ऐसे ही हाल इस भाई साहब का भी है। अपना भी नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर। देख रहे हो इस भाई साहब को, ये अपनी शादी से कितने ज्यादा खुश है, ये अपनी शादी से इतने ज्यादा खुश है कि इनकी खुशी दूर दूर तक झलक रही है। ये भाई साहब सोच रहे हैं कि चलो देर से ही सही, पर भगवान ने मेरी सुन ली। और इन भाई साहब को तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इनको इनकी आधे उम्र की लड़की मिल गई। आजकल बूढ़े और अंकल ही सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं घुमा रहे, बल्कि काले कलूठे कौवे जैसे शक्ल वाले लड़कों के पास भी गर्लफ्रेंड सिवाय मेरे। बहुत दुख होता है यार, बहुत ज्यादा दुख होता है। वो है निशान। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देख रहे हो ये जंगल में से भागे हुए काले भैंस को, ये अपने गर्लफ्रेंड को कितने प्यार से मना रहा है, और मनाएगा भी क्यों नहीं। और जिस दिन से ये इस लड़की को मनाना छोड़ देगा, उस दिन ये लड़की इसके काले गांड पर लात मारकर इसको छोड़कर चली जाएगी।
उसके बाद तो आपको पता ही होगा ये काला तो खुद है ही, इसके जिंदगी में भी अंधेरा छा जाएगा, यानी कि पूरा काला ही काला हो जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा आजकल के जमाने में तुम गोरे हो काले हो जैसे भी हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम गोरे ही हो लेकिन तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो तुमको कोई भी बाप अपनी बेटी नहीं, लेकिन चाहे तुम्हारी शक्ल बंदर जैसे ही क्यों ना हो, तुम्हारा फेस भैंस जैसा ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो तुम्हें अभी 10 लड़कियां मिल जाएंगी। कुछ ऐसा ही हाल इस भाई साहब का है। शक्ल लेकिन ना बोली थी, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारे पूरा खानदान ना बोल दिया, आज मैं इनकी बीवी हूँ। देख रहे हो सरकारी नौकरी कमाल, इसकी खुद की फेस काले भैंस जैसी, लेकिन इसको बीबी ऐश्वर्या राय जैसी मिली है। इसलिए बोला जाता है बाद में रोना ना पड़े, इसीलिए अभी से ही पढ़ाई में मन लगा दिया, लेकिन नहीं, पहले ही बाबू सोना के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं और बाद में इनकी बाबू इनको छोड़कर किसी दूसरे पैसे वाले के साथ चली जाती है और इनकी जिंदगी में पूरा अंधेरा छा जाता है। और इस भाई को तो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा काम अपने हाथों से ही किया है, तभी इसका हाल ऐसा ही हो गया। इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सामने आकर कोई अगर फूंक मार देगा तो ये उड़कर 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा और ये दूसरे किसी को मारने के लिए हाथ दिखा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका ऐसे हालत इसी लड़की के चक्कर में हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे भी है कि वो इसके के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कुछ ऐसा ही हाल इस भाई साहब का भी है। काली आंखें गोरे गोरे का, मतलब देख रहे हो इसकी बॉडी ऐसे दिख रही है कि अगर कोई सही से 2 पंच भी मार दे तो इसका हाथ पैर टूट जाए। और ये अपने लिए गर्लफ्रेंड ऐसी खोजा है, गलती से भी इसके ऊपर ये गिर गई तो इसका कचूमर बन जाएगा। और मैंने सिर्फ सुना था कि प्यार अंधा होता है, सच में आज देख भी लिया। ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पक्का सरकारी नौकरी का ही कमाल है। देख रहे हो इस आंटी को, ये कितनी खुश दिख रही है। इनका पति काला है मोटा है, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है इनकी सरकारी नौकरी से। और आज मैं जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ सिर्फ ऐसे ही बवासीर वीडियो आ रहे हैं। देखो इन भाई साहब की गर्लफ्रेंड उठी है तो ये खेत में लाकर गाना गाकर इम्प्रेस कर रहे हैं। देखो भाई मैं एक बात बता दूं कि मैंने गाली देना छोड़ दिया है, नहीं तो इनके बारे में मेरे मन में इतने अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। साला गलती कर दिया गाली देना छोड़कर। चलो इनका उम्र तो इसके करने के लिए ठीक है क्योंकि ये अपना जीवन बचाने के लिए अपने लिए महबूबा खोज रहे हैं जिससे इनका जीवन रंडुआ ना कटे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी ये कौन सी उम्र है इसके करने की। देख रहे हो बेचारे अंकल के इनके सिर का बाल भी इनके साथ छोड़ दिए, लेकिन ये इश्क करना नहीं भूले हैं। लेकिन एक नजरिए से देखा जाए तो इसमें अंकल की कोई दोष नहीं है क्योंकि ये आंटी इस बूढ़े अंकल को इश्क करने के लिए प्रेरित कर रही है। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये आंटी इस अंकल की पत्नी होगी। और इन्ही के वीडियो देखकर हमारे यहाँ के बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या सीन है, देख रहे हो किस तरह ये लड़की इस नन्हे मुन्ने बालक को अपने प्यार के झांसे में डाल रही है। ये हरकत जो इस लड़के के साथ कर रही है अगर किसी ने चुपके से देख लिया तो इनकी बवासीर का ऐसे अच्छे से इलाज करेंगे कि दोबारा हिलाने लायक नहीं बचेगी। मेरा मतलब है पैर, ऐसे जो तुम लोग सोच रहे हो वो भी हो सकता है। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को और पर प्रेस कर लेना ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भाग।